आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रकम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, तो अब लंबा नहीं होगा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का इंतजार, सरकार ला रही है सिंगल पोर्टल। मरीजों के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया को में तेजी लाने और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के मकसद से केंद्र सरकार ने सिंगल पोर्टल एक तैयार किया। इसका मकसद जो है, इसका फायदा मरीजों, इंश्योरेंस कंपनी और अस्पतालों को होगा। वह इंश्योरेंस क्लेम के निपटारे के लिए लंबा इंतजार जो है वो इसका खत्म करना इसका क्या लक्ष्य है। वही अस्पतालों से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के क्लेम को कंपनियों से जल्द मंजूरी मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया है। वही इस वन पोर्टल के साथ देश की बड़ी जो करीब 50 इंश्योरेंस कंपनियां और 250 बड़े अस्पताल भी इसमें यहाँ पर जोड़ने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। अक्सर देखने में आता है कि मरीजों तो अस्पतालों में यहाँ पर सुबह से ही डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों से क्लेम के निपटारण का ग्रीन सिग्नल मिलते ही रात तो यहाँ पर हो जाती है। इस तरह से मरीज को एक दिन ज़्यादा जो अस्पताल में रहना पड़ता है। वह नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने यह पोर्टल तैयार करने से पहले जो है तमाम इंश्योरेंस कंपनियों अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग जो है वो की, इसके बाद पोर्टल को तैयार जो है वो किया गया है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो अगली बड़ी खबर देखिए, बदला सरकार की बजट घोषणा हुई है लागू। कोटा में सीएनजी 3 रुपए और 70 पैसे सस्ती अब मिलेगी। राजस्थान की बदला सरकार ने अपनी बजट घोषणाओं को लागू करना जो है वो शुरू कर दिया है। बजट घोषणा के अनुसार सरकार ने जो है जो यहाँ पर सीएनजी जो है सीएनजी की दरों को कम यहाँ पर कर दिया। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने सीएनजी की दरों में कमी के आदेश जारी कर दिए है। वह सीएनजी जो है 3 रुपए 70 पैसे प्रति किलो सस्ती हो गई है। वही सीएनजी सेंटर पूरे राजस्थान में फिलहाल यहाँ पर कोटा में ही यहाँ पर है, यानी जो RSGL के जो यहाँ पर सीएनजी सेंटर पूरे राजस्थान में कोटा में फिलहाल है, लिहाजा अब तत्काल प्रभाव से जो है कटौती दरें जो है लागू कर दी गई है। वह चेयरमैन जो है उन्होंने यहाँ पर जानकारी बताया कि कोटा में आप उपभोक्ताओं को सीएनजी 90 रुपए और 21 पैसे प्रति किलो की दर से मिलेगी। सरकार ने बजट में सीएनजी और पीएनजी पर वेट दर 4.5% कम करने का ऐलान किया था। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में अब गाड़ी के लिए कागज बनवाना हुआ है महंगा, चुकानी होगी 40% कीमतें। दिल्ली के अंदर जो है अब गाड़ी के कागजात जो है महंगे बनवाने महंगे होंगे, दरअसल 40% ज़्यादा जो है कीमतें चुकानी होगी। दरअसल बात यह कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अपनी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है PUC अगर आप रेन्यू जो है वो रिन्यू आप उसको कराना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। दरअसल आदेश के मुताबिक गाड़ी के जो यहाँ पर फ्यूल टाइप के आधार पर PUC शुल्क में जो है 40% का इजाफा किया गया। बता दें आपको कि दिल्ली में PUC शुल्क में ये बढ़ोतरी 13 साल बाद की गई है। वह नए नियमों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल CNG और LPG से चलने वाले 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों का PUC शुल्क जो है 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये कर दिया गया है। वहीं इन्हीं फ्यूल से चलने वाले 4 पहिया वाहनों के लिए 80 रुपये से बढ़ाकर 110 कर दिया गया। वह डीजल वाहनों को अब PUC के लिए जो है 100 रुपये के लिए 140 रुपये देने होंगे। वहीं दिल्ली सरकार ने एक नोटिस जारी कर बताया कि नई कीमतें जो है वो सरकार द्वारा अधिकारिक रूप से सचिव यहाँ पर अधिसूचित होते ही लागू हो जाएगी। हालांकि अगर आपका PUC लंबित है तो उसे निबंधित कराने का ये सही समय है। दिल्ली के परिवहन जो मंत्री जो है कैलाश गहलोत, उन्होंने इस बारे में दिल्ली सरकार के वायु गुणवत्ता यहाँ पर दिल्ली सरकार के वायु गुणवत्ता बनवाने सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मेल खाती है उन्होंने यहाँ पर कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी प्रदूषण वाहनों को पूरा यहाँ पर मतलब पूरे मानकों का पालन जो है यहाँ पर ये किया जाएगा। तो बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है दिल्ली से। बात करते हैं अगली खबर की, तो अगली बड़ी खबर देखिए, अग्निवीरों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा, CISF और BSF में मिलेगा आरक्षण, आयु सीमा और फिजिकल टेस्ट में मिलेगी छूट। पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की गई, जिसके तहत CRPF यानी CISF और BSF में 10% सीटें उनके लिए आरक्षित यहाँ पर रहेगी। वही CISF जो है और BSF के प्रमुखों ने जो है इसका ऐलान जो है वो किया है। वही उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के अनुरूप संबंधित बलों में कांस्टेबल के 10% पद पूर्वी अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। वही CISF के जो यहाँ पर महानिदेशक है उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत CISF भी जो है पूर्व अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया तैयार जो है वो कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में कांस्टेबलों के सभी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण जो है वो आरक्षित किया जाएगा। साथ ही शारीरिक परीक्षणों में भी जो है उन्हें उम्र में छूट दी जाएगी। पहले वर्ष में आयु छूट जो है वो 5 साल के लिए दी गई है। अगले वर्ष में जो है 3 साल की छूट यहाँ पर रहेगी। तो बड़ी खबर जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है।
बात अब कहते हैं अगली खबर की, तो अगली बड़ी खबर व्हाट्सएप को लेकर। ये बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप पर चैट का बदल जाएगा एक्सपीरियंस, किसी भी भाषा में भेज सकेंगे मैसेज, लाइव हुआ ट्रांजैक्शनल। व्हाट्सएप के यूजर्स के लिए अच्छी खबर, दरअसल व्हाट्सएप पर अब किसी भी भाषा में आप मैसेज भेज सकेंगे, लाइव ट्रांसलेशन जो है वो होने वाला है। दरअसल बात यह है कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कई अपडेट्स यहाँ पर लेकर आता रहता है। व्हाट्सएप अभी एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिसके जरिए आप किसी भी भाषा में चैट यहाँ पर करें, व्हाट्सएप इसका लाइव ट्रांसलेशन जो है वो करेगा। इस फीचर पर फिलहाल जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है, अभी ये बीटा टेस्ट इसके लिए तैयार नहीं है। ये गूगल की ड्राइव यहाँ पर गूगल की लाइव ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी की मदद से काम जो है वो करेगा। वही व्हाट्सएप की जो लेटेस्ट रिपोर्ट देने वाली जो वेबसाइट जो है उसके मुताबिक व्हाट्सएप जो है फिलहाल इसके बीटा यूजर्स के लिए कुछ दिनों में इसको यहाँ पर लेकर आने वाला है, इस फीचर को लेकर आने वाला है। वही ट्रांसलेशन के लिए किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी। डेटा के यहाँ पर जो डेटा जो है उसको किसी भी क्लाउड सर्वर पर जो है नहीं भेजा जाएगा, बल्कि डिवाइस पर लोकली स्टोर जो है किया जा सकेगा। वहीं लिंक्स के रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल कुछ ही भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश और पुर्तगाल और रूसी भाषा में ये काम करेगा, आगे चलकर दूसरी भाषाओं को भी सपोर्ट करेगा। तो ये नया फीचर जो है व्हाट्सएप पर आने वाला, जिससे यूजर्स की जो यहाँ पर सहूलियत जो है होने वाली है। वही व्हाट्सएप का ही फीचर पर काम कर रहा है कॉन्टैक्ट कार्ड फीचर के जरिए भी, यहाँ पर आप अनजान चैट इनवाइट और फर्जी ग्रुप से जुड़ने से बच सकेंगे। कॉन्टैक्ट कार्ड फीचर्स किसी भी ग्रुप की डिटेल की जानकारी यहाँ पर आपको देगा, जिसका इनवाइट आपको अचानक से यहाँ पर मिला है। इसके अलावा व्हाट्सएप नए फीचर के तहत आप वॉइस नोट्स के अलावा वीडियो नोट भी जो है यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये कुछ नए फीचर जो है व्हाट्सएप पर निकल के सामने आ रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे आप नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को तुरंत आप दबा दें, ताकि रोजाना जो है आपको इसी तरह की खबरें जो है यहाँ पर मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।